हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फॉरएवर पर्ज मूवी को, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी और ये पर्ज फ्रेंचाइज की फिफ्थ और फिलहाल लास्ट मूवी है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, जिसके बारे में बात करते हैं वीडियो के एंड में। इसके पहले के 4 पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद या पहले कभी भी देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यूजुअली मैं वीडियो के शुरू में सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक या कमेंट ज़रूर करना, जिससे वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम 150 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना योगदान दे। खैर, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें हर पार्ट की तरह अमेरिका का हाल देखने को मिलता है, और टाइमलाइन के हिसाब से अभी अमेरिका में चार्ली रोआन पावर में होनी चाहिए थी, लेकिन NFFA दोबारा पावर में आ चुकी है और अब पहले की तरह हर साल पर्ज मनाया जाता है। और इस बार पर्ज में जो भी कुछ होगा वो कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि ऑलरेडी प्लान्ड होगा। और इसमें कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि इस मूवी की टैगलाइन है द रूल्स आर ब्रोकन। वेल, फिर हम एक कपल अडेला और हुआन को देखते हैं, जो कि तारों के नीचे से मेक्सिको से अमेरिका के अंदर आ रहे थे, और उनके साथ और भी कई लोग थे। अमेरिका के बॉर्डर में आने के बाद एक लड़का उन्हें एक रोज़ की पिक्चर देता है और उनसे कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो रोज़ की पिक्चर्स को फॉलो करना। खैर, अब हम 10 महीने के बाद पर्ज के एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जिसमें हमें टकर फैमिली देखने को मिलती है, जिनकी एक रैंच है। फैमिली में है रैंच का ओनर केलब टकर, उसकी बेटी हार्पर, बेटा डिलन और डिलन की प्रेग्नेंट वाइफ केसी। उनके रैंच में काम करते हैं हुआन, उसका दोस्त टीटी और कर्क। और जानकारी के लिए बता दूं कि हार्पर और टीटी के बीच कुछ चल रहा है। खैर, डिलन घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाता। तभी हुआन वहां आकर सबके सामने घोड़े को कंट्रोल कर लेता है, मतलब हुआन एक काउबॉय है। लेकिन डिलन को लगता है कि काउबॉयज मैक्सिकन नहीं हो सकते, और वो कहीं ना कहीं हुआन को नापसंद भी करता था। वेल, वहीं हम अडेला को देखते हैं, जो कि एक मीट शॉप में काम करती है, और वो वहाँ एक रोज़ा नाम की नई वर्कर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, और इस शॉप का मालिक है डेरियस। खैर, अडेला और हुआन टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें चियागो नाम का बंदा पर्ज के खिलाफ बातें कर रहा था। पर्ज शुरू होने में 10 घंटे का समय बचा था, और मिस्टर टकर कर्क टीटी और हुआन को पर्ज प्रोटेक्शन बोनस देते हैं। पर्ज शुरू होने ही वाला था, और जो सिक्योरिटी सिस्टम को अफोर्ड कर सकते थे वो तो घरों में बैठ गए, लेकिन हुआन जैसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जो अमेरिकन्स नहीं हैं, उनके लिए एक स्पेशल लॉकडाउन फैसिलिटी वाली जगह है, जहां हुआन अडेला और टीटी के साथ पहुंच गया। और हुआन थोड़ा नर्वस था, क्योंकि ये उसका पहला पर्ज था। पर्ज शुरू हो चुका था और पर्जर्स अपने काम पे लग चुके थे, और मिस्टर टकर के अस्तबल में भी कोई घुस गया था। यहाँ अडेला थोड़ी ताज़ी हवा लेने छत पर जाती है, और तभी 3 गाड़ियाँ वहाँ पर आती है, और उन पर लिखा था पर्ज प्योरिफिकेशन, क्योंकि ये लोग नॉन अमेरिकन्स को जान से मारकर अमेरिका को क्लीन कर रहे थे। उन्हें देखकर अडेला ने भी गन उठा लिया, मतलब अडेला को भी गन्स का तजुर्बा है। खैर, कुछ देर बाद दोबारा से सायरन्स बज जाते हैं, मतलब पर्ज ख़त्म हो चुका, लेकिन मूवी का टाइटल तो कुछ और ही कह रहा है। हुआन खुश था, क्योंकि उसने अपने पहले पर्ज को सर्वाइव कर लिया। सब एक नॉर्मल दिन की तरह अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक रिपोर्टर को लाइव न्यूज़ में ही किसी ने ठोक दिया, मतलब पर्ज अब तब तक चलेगा जब तक अमेरिका क्लीन नहीं हो जाता, यानी कि फॉरएवर, दिन हो या रात। अडेला को अपने शॉप में बहुत कम वर्कर्स दिखते हैं, तो वो बाहर जाती है, तो उसे एक पिंजरे में एक बकरी दिखती है, जिसे फ्री करने के चक्कर में वो भी उसी में फंस जाती है, क्योंकि ये एक ट्रैप था जिसे वहाँ छुपे पर्जर्स ने ही लगाया था। वो अडेला को मारते उससे पहले डेरियस ने आकर अडेला को फ्री किया, और उन दोनों ने पर्जर्स को मार दिया। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, और वो अडेला और डेरियस को पर्जर समझकर ले जाते हैं अपने साथ, और रोज़ा भी पुलिस को उन्हें ले जाते हुए देख लेती है। यहाँ हुआन और टीटी काम पर पहुँच गए थे, और वो देखते हैं कि पूरी टकर फैमिली को कर्क ने बंदी बना लिया है। हुआन कुछ कर पाता उससे पहले ही कर्क ने मिस्टर टकर को मार दिया। हुआन ने जल्दी से गन्स ली और कर्क और उसके लोगों को मार गिराया, लेकिन वहाँ और भी पर्जर्स आ रहे थे, जिसकी वजह से वो जल्दी से ट्रक में बैठकर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद हुआन को रोज़ा का कॉल आता है, और वो उसे बताती है कि अडेला को पुलिस ले जा चुकी, और ऐसा सुनकर हुआन पास वाले पुलिस स्टेशन जाने का डिसीज़न लेता है, और टीटी और हार्पर भी उसके साथ ही जाते हैं।
पुलिस वैन में दो रियल पर्जर्स भी थे और वैन पुलिस स्टेशन पहुंच पाती उससे पहले ही पर्जर्स ने वैन पे चला दी आरपीजी। वैन पलट गई थी जिसका फ़ायदा उठाकर वैन के अंदर एक पर्जर फ्री होकर अडेला को मोलेस्ट करने लगा, लेकिन अडेला की थोड़ी बहादुरी और डेरियस की आर्म लॉक ने उसे सुला दिया। अंदर के पर्जर से तो वो बच गई थी, लेकिन बाहर कोई उनके वैन के दरवाजों को पीट रहा था, लेकिन वो था हुआन। वहाँ डिलन भी ट्रक लेकर पहुँच चुका था और अडेला डेरियस को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के लिए वापस जाना पड़ा। उसके बाद वो लोग शहर छोड़कर निकलने लगते हैं। कुछ ही दूर में वो एक मोटेल में ज़रूरी सामान लेने रुकते हैं जहाँ के सारे लोगों को पर्जर्स ने बिछा रखा था। उन्हें वहाँ न्यूज़ में पता चलता है कि NFFA ने पूरे US में मार्शल लॉ लगा दिया है, मतलब देश के हर गली कूचड़ में NFFA ने सोल्जर्स छोड़ दिए हैं। मैंने कहा था ना सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। उन्हें वहाँ रेडियो में एक और न्यूज़ भी पता चलता है कि मेक्सिको और कनाडा ने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है और वो हर निहत्ते बंदे को अपने देश में आने दे रहे हैं, लेकिन उनके बॉर्डर सिर्फ 6 घंटों तक ही खुले रहेंगे। ये सुनकर वो लोग मेक्सिको जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन क्या लगता है वो इतनी आसानी से बॉर्डर पार कर लेंगे? वेल, वो तो आगे ही पता चलेगा। खैर, रात हो चुकी थी और वो लोग अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे, तभी कुछ पर्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हार्पर ने उन्हें पर्ज एवर आफ्टर वाला फ्लैग दिखाकर उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो लोग भी पर्जर्स हैं, और फिर वो बाइकर्स उन्हें छोड़ देते हैं। मतलब हो सकता है उन बाइकर्स को गवर्नमेंट ने ही हायर किया होगा जो कि इनोसेंट लोगों को मार रहे होंगे, और ऐसा हमने पहले भी देख रखा है। हार्पर की इस मूव को देखकर टीटी खुश था और यहाँ हमें क्लियर हो गया कि इनके बीच पक्का कुछ चल रहा है। वो लोग पहुँच गए थे टेक्सास के एलपासो में जहाँ हर तरफ टेक्सास मैसेकर मचा हुआ था और उनके ट्रक पे काफ़ी गोलियाँ लग गई थी जिसके वजह से उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। वो लोग सावधानी से आगे पीछे से बच बचा कर आगे बढ़ रहे थे और अडेला और कैसी एक थिएटर में जाते हैं, लेकिन बाकी सब के अंदर जाने से पहले एक टैंक उन पर हमला करता है जिसमें अडेला और कैसी बाकी सबसे अलग हो जाती हैं और अंदर ही फंस जाती हैं और दूसरे तरफ से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन पर दो लोग हमला करते हैं, लेकिन अडेला ने अपने स्किल्स की मदद से दोनों को बिछा दिया और फिर अडेला वहाँ बने रोज़ के पेंटिंग्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और केसी उससे पूछती है कि तुमने लड़ना कहाँ से सीखा, और यहाँ हमें अडेला उनके US आने का रीज़न बताती है। अडेला और हुआन मेक्सिको में ऑटो डिफेंस में थे जो वहाँ के कार्टेल्स के खिलाफ लड़ते थे और उनसे कुछ गलती होने के वजह से उन्होंने हुआन और अडेला को मेक्सिको से निकाल दिया। खैर, अब बॉर्डर्स बंद होने में 2-2.5 घंटे ही बचे थे और यहाँ डिलन के साथ उन तीनों को एक पर्जर गैंग ने घेर लिया था जिसमें उनका लीडर एल्फा डिलन और हार्पर से हुआन और टीटी को मारने को कहता है जिससे अमेरिका को क्लीन होने का और उन दोनों को जीने का मौका मिलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते जिसकी वजह से एल्फा की पार्टनर मदर ने टीटी को मार दिया जिससे हार्पर ऐसी हो गई थी जैसे पर्ज की रात रूल्स, मतलब वो टूट गई थी। मदर हुआन को मार पाती उससे पहले वहाँ आर्मी आ जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर हुआन ने मदर को मार दिया और वो तीनों वहाँ से बचकर निकल गए। और मदर को मरा हुआ देखकर एल्फा बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अब इसे समझ आ गया होगा कि किसी अपने को खोना क्या होता है और ये अपना बदला लेने के लिए आगे बहुत दिक्कत देने वाला है। खैर, वो सब रोज़ की पेंटिंग को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंच गए थे जहां वो एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन वहां न्यूज़ में बताया जाता है कि एलपासो के पर्जर्स ने वहां की आर्मी को ओवरपावर कर लिया है और वहां की आर्मी बैकअप कर गई जिसकी वजह से एलपासो और मेक्सिको की जो बॉर्डर है वो बंद होने वाली है। ये न्यूज़ देखकर उस जगह की बॉस चियागो को हेल्प के लिए बुलाती है और वो उन्हें बॉर्डर पार करवाने ले चलता है अपने साथ। रास्ते में वो हुआन को बताता है कि उसके बाप दादा हमेशा से बॉर्डर पे अमेरिकन से लड़ते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बॉर्डर पार करने का रास्ता पता है। इतने में वहाँ अल्फा एंड टीम आ गए थे उन्हें रोकने के लिए। हुआन, अडेला, डिलन और चियागो की टीम रुकती है, लेकिन उनके पास बहुत ही कम गोलियाँ अवेलेबल थी जिसकी वजह से वो बैकअप कर जाते हैं, लेकिन उन्हें खोजते हुए अल्फा की टीम वहाँ भी पहुँच जाती है, लेकिन सब ने मिलकर अल्फा की टीम को मार गिराया। लेकिन इन्हीं सब के बीच अल्फा अडेला को अपने साथ ले जाता है और वो उसे चारे की तरह यूज़ करके हुआन को बुला रहा था क्योंकि हुआन ने मदर को मारा था तो वो हुआन से बदला लेना चाहता था, लेकिन हुआन और डिलन ने अल्फा को रस्सी से कंट्रोल कर लिया और उसका भी गेम ओवर कर दिया और फिर उन्होंने बॉर्डर भी पार कर लिया। डिलन कैसी के पास जाता है और कैसी की डिलीवरी हो चुकी थी और उनकी बेटी हुई थी और हुआन और अडेला सेफली अपने देश वापस आकर खुश थे और डेटा के हिसाब से अब तक 2 मिलियन अमेरिकन रेफ्यूजीज बॉर्डर पार करके आए थे, लेकिन अमेरिका में बहुत सारे लोग जो पर्ज नहीं मना रहे थे वो भी अब पर्जर्स के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। NFFA अपने ही बनाए हुए पर्ज के कारण तबाह हो गया
और पर्ज को रोकना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मूवी के एंड में यूएस का कुछ ऐसा हाल था और इसी तबाही भरे मंजर को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे हो जाती है ख़त्म। तो गाइज ये था 2021 में आई द फॉरएवर पर्ज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस मूवी के डायरेक्टर है एवराडो वेलेरियो, लेकिन इसके राइटर हैं जेम्स डेमोनिको। हर पार्ट की तरह इस पार्ट ने भी हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया और हमें कुछ अलग कुछ नया दिखाया। इसके और पार्ट्स के बारे में बताऊं तो फ्रेंचाइज के क्रिएटर जेम्स ने बताया है कि पर्ज के 6th पार्ट की स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसका ऑफिशियल रिलीज डेट या पोस्टर आउट नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 में शायद ये रिलीज हो सकती है, शायद, जिसमें सबका फेवरेट कैरेक्टर लियो वापस आने वाला है और लास्ट 2 पार्ट से लियो की कमी महसूस हो रही है। मूवी में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है क्योंकि हर पार्ट के बीच बहुत लंबे लंबे टाइम जंप्स है, तो बीच की स्टोरी दिखाई जा सकती है। खैर 6th पार्ट जब भी रिलीज़ होगा आपको लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट वाली मूवी सीरीज़ कौन ही मिस करना चाहेगा। और अगर आप भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय।